हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जांपल अपना, वो भी एग्जांपल भैया 6 सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि जब एक बार समोसा खा लो तो दूसरा भी समोसा खाने का मन जरूर करता है। कुछ इसी तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व पटापट करने का मन करता ही करता है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन पटापट सॉल्व हो रहे हैं तो बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके थे प्राइम फैक्टराइजेशन का। जिन भैया लोगों का ये सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन एग्जांपल नहीं सॉल्व हो रहे, उन भैया लोग को जरूरत है प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने की। ठीक है, उसे सुनने की। तो एक बार पहले बच्चों अगर नहीं जानते हो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है तो वीडियो उसके ऊपर बनी है, उसको देख लो, तब यहां पर आओगे तो यू मारोगे आप, यू करोगे, अरे ये तो हो जाएगा अपने से, तो टेंशन नहीं लेना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन देखो इसका, बहुत ही मस्त है। मैं पहले ही बताया था कि क्वेश्चन कैसे देते हैं अपने बाबू लोग, एनसीईआरटी भैया लोग हमको क्वेश्चन कैसे देते हैं, क्या दिए हैं, पूछ क्या रहे हैं। पहले हमसे पूछ रहे हैं कि क्या 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब जब से हम लेक्चर ले रहे हैं तब से हम परफेक्ट स्क्वायर का होता है वो बता रहे हैं। जैसे कि क्या, कोई नंबर हो, एन हो, अगर इस नंबर को हम लोग स्क्वायर करें तो जो नंबर हमको मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे कि अगर 6 है, 6 का स्क्वायर कर दिए तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो 36 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उम्मीद करता हूं अब तो आपको यू पटाख से हमें क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुआ कि ना हुआ। अरे एन मतलब यहां पे एन डैश ले लो, ये वाला एन आएगा, जरूरी नहीं है, यहां पे एम ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आ गया होगा। चलो ठीक है, अब देखो कह रहा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर नहीं है, कह रहे अगर नहीं है तो रीजन मत बताओ हमको काहे नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस, आप 2352 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस नंबर के साथ कोई भी नंबर आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल दे। किसका, इसका हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल दे जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाए, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के। फिर कह रहे हैं जो नंबर आए मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो। तो तीन चीजें पूछी है हमें। पहला पूछा कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। पहला देखो, पीएफ मतलब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। दूसरा, अगर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तीसरा कह रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालो, पीएफ वाला। ठीक है, तो ये तीन कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना, इस क्वेश्चन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। अब इस जब चीजों को समझ जाएगा तो यू टक 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 आना शुरू, आंसर हो जाएगा। तो पहली चीज, सॉल्यूशन हमें दिया है 2352। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, अभी से ही बोलना शुरू कर दिया सर जी। हाँ, अब 2352 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये देखने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा तो सारे नंबर्स के हमें पेयर मिल रहे होंगे। जैसे एक जोड़ी जूता होता है, जूते में कितने जूते होते हैं सर जी, जूते में कितने जूते होते हैं ये क्या बता रहे हो बच्चों। आपके पास एक पेयर ऑफ लेग है कि नहीं। एक पेयर का मतलब होता है कि मतलब आपके पास एक पैर है, एक पैर। अब देखो मेरा हाथ देख लो, एक हाथ ये है, एक हाथ है, तो वन पेयर है हमारे पास, वन पेयर। तो आप अगर आप जूता पहनते हो तो एक जूता तो पहन के बाहर खेलने नहीं जाते होगे, आप दोनों पेयर के पहन के जाते हो, दोनों सेम ही साइज के होते हैं। हाँ क्या वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर अगर दो मिल रहा है तो दो दो के पेयर मिल रहे होंगे। अरे सर जी सही से दिखाओ, मुझे दिखा के बताया करो, ऐसे हवा हवाई मत बताया करो। चलो, तो यहां पे देखो 2352 ही है ना, 2352। चलो ठीक है, अब देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 होता है तो तू कहां लिखे हो सर जी, आपको दिखाने के लिए 4 नहीं, ज्यादा नहीं कम ही लिखो, 2 1 जा
हाँ टू, फिर क्या वन को इधर भेजोगे तो टू सेवन जा फोर्टीन, फिर टू वन को इधर भेजोगे टू सिक्स जा ट्वेल्व। हाँ सर जी आ रहा है कि नहीं? आ बेटा समझ में आ रहा है। अब देखो तो ये क्या है, अब टू वन, अरे टू वन की टू वन जा टू ही होता है, तो अब क्या करोगे दो दो को लेके चलोगे, इन दो को लेके चलोगे, दो को, अब एक नहीं दो दो लेके चलोगे, तो टू फाइव जा टू फाइव जा टेन, टू फाइव जा टेन और वन क्या हो जाएगा इधर चल जाएगा, तो टू एट जा सिक्सटीन, टू एट जा सिक्सटीन, आहा, फिर टू टू जा फोर, टू एट टू नाइन जा एटीन, वन इधर चला गया ना, फिर क्या हो जाएगा टू फोर जा एट, फिर टू वन जा टू, टू थ्री जा टू थ्री जा सिक्स, फिर टू फोर जा एट, तो हम लोग क्या कैसे करेंगे टू फोर से करेंगे थ्री से नहीं, तो टू वन जा टू, टू फोर जा एट, फिर वन इधर चला जाएगा, तो ये भाई साहब यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे कि भाई साहब यहाँ पे आ रहा है वन, यहाँ पे आ रहा है फोर, यहाँ पे आ रहा है सेवन, तो वन फोर सेवन किससे डिवाइड होगा, तो सात एक आठ होता है और आठ चार बारह होता है। ये होती है प्रॉपर्टी कि सबको अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद अगर देख रहे हो ना ट्वेल्व आ रहा है, ट्वेल्व डिवाइड हो रहा है थ्री से, तो डिविजिबिलिटी हमने लगा दी है, डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री लगाई है, और डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री कहती है कि सबका ऐड कर दो, और अगर ट्वेल्व से डिवाइड हो रहा मतलब थ्री से डिवाइड हो रहा है तो भाई साहब हाँ ये थ्री से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रही है मैंने जानने के लिए कि किससे डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा थ्री से डिवाइड होगा यहाँ पे, तो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन होता है, थ्री फोर जा 12, अब 4 जा 12 तो 2 यहां पे चला गया, 2 यहां पे चला गया तो 27 बन गया, तो 2 9 3 9 जा 3 4 जा 12, यहां पे 14 था तो इसका 2 इधर गया तो 27 बचा, तो 3 9 जा 27 लिख दिए, फिर 3 1 जा 3 करोगे आप, 3 1 जा 3 करोगे आप, बट यहां से 1 इधर अगर आप भेज दोगे तो 19 बच जाएगा, तो 3 के टेबल में 19 नहीं आता, तो भाई साहब 3 से नहीं करोगे। कटेगा किससे ये, आहा देख रहा है 7 से कटेगा, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, अब आपको पता चल रहा है ना कहां कब तक काटते रहेंगे, तब तक काटते रहेंगे इस नंबर को जब तक 1 नहीं आ जाता, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर जी हिलो डिलो मत, सही से बताओ। तो यहां पे आप देखो हमें क्या मिल गया, पीएफ मिल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 3 5 2, कितना मिल गया, आहा लिखना शुरू करते हैं सबको, क्या लिखेंगे, एक दो कितने हैं, दो एक दो तीन चार, तो लिख दिया एक दो तीन चार, कितने हैं तीन, एक है तीन और दो है हमारे पास सेवन। तो यहां पे देख सकते हो, अक्खू खोल लो अपनी, नन्नू नन्नू अक्खू खोल लो, देखोगे आप कि यहां पे अगर मैं पेयरिंग की बात करूं, पेयरिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स, यहां पे पीएफ का मतलब है प्राइम फैक्टर्स, यहां लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 3 5 2 इक्वल्स टू, अब देखो पेयरिंग कर दिया तो ई को दो ले लोगे, ई को दो ले लोगे, अब देखो ध्यान से देखो, एक दो तीन चार, चार था हम तो पांच लिख के बैठे हैं, तो यहां पे एक गुल कर देंगे, हटा देंगे, तो यहां पे देखो एक तीन है और यहां पे सात है, तो यहां पे देखो क्या लिखोगे, 2 × 2 × 7 × 3, अब जो पेयर नहीं मिल रहा बाबू को पीछे वो रखूंगा मैं, पिछू ही रखूंगा, तो अब यहां पे देख अरे धत्तेरी की पेयरिंग में हमको क्या मिला है, ध्यान से देखो पेयरिंग में देखो हमको सिर्फ ये मिल रहा है पेयर, सिर्फ ये पेयर मिल रहा है और ये पेयर मिल रहा है, थ्री का पेयर नहीं मिल रहा है, थ्री का पेयर नहीं मिल रहा है, ध्यान से समझो ना, थ्री का जब पेयर नहीं मिलता है तो हम लोग लिख देते हैं कि भाई साहब ये वाला तो कॉन्सेप्ट हट जाएगा, तो यहां पे लिखोगे आप सिंस, सिंस 2 3 5 2, सिंस कह सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 3 5 2 डू नॉट हैव ऑल द पेयर्स इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, अरे सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 3 5 2 डू नॉट हैव ऑल द पेयर्स, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, सब पेयर नहीं है, ठीक है सब पेयर नहीं है, या फिर लिख सकते हो कि देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 3 5 2 डू नॉट हैव द पेयर ऑफ 3, लिख सकते हो बहुत सही रहेगा, 3 का पेयर नहीं है इसीलिए ये क्या है परफेक्ट, क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर लिख सकते हो हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये चीज तो पहली हो गई कि ये परफेक्ट स्क्वायर
पीएफ कह सकते हैं, नहीं पीएफ नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या पूछी है कि भाई साहब इफ नॉट अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, बट कैसे बनाना है आपको मल्टीपल 2, 3, 5, 2 का मल्टीपल। मल्टीपल जैसे 2 का मल्टीपल क्या है, 2 का मल्टीपल क्या है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 क्या है मल्टीपल है 2 का, ठीक है। जैसे 6, 6 क्या है मल्टीपल है 2 का, फिर 8, 8 क्या है मल्टीपल 2 का। तो 2 से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें जो कि इसको क्या बना दे, इस नंबर को बना दे परफेक्ट स्क्वायर। बट ये ऐसा मल्टीपल हमें यूज करना है जो कि सबसे छोटा हो, जिससे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहीं पे देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने किया तो इसका पेयर मिल रहा था, इसका पेयर मिल रहा था, और 7 का भी पेयर मिल रहा था, बट पेयर किसका नहीं मिल रहा था, 3 का मिल नहीं रहा था। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहां की डिजिट को कि 3 का पेयर मिलने लगेगा, मिलने लगेगा। अब क्या आप 4 से करोगे या आप 2 से कर, 3 से कम ले लेते हैं, जैसे 3 अगर मैं 3 से कम लूं तो 2, तो क्या अगर आप 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 3 का पेयर मिल जाएगा ना, क्या 1 से ना, 0 से करोगे तब तो सब बरबंड, सब 0 हो जाएगा, तो अंडा नहीं चाहिए अपने को। तो 3 ही ऐसा एक नंबर है, 4 से करोगे नहीं, 5 से नहीं, 6 से ना ही बाबू, अपने को सिर्फ 3 से करना है, क्योंकि 3 एक स्मॉलर नंबर है, जिससे क्या होगा यहां पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां बच्चे वाले 3 से क्या बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। तो यहां से अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो भाई साहब को इधर से भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहां पर नंबर क्या आएगा, 2, 3, 5, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, करो 3, 2 = 6, 3, 2 = 6, और ध्यान से सुनो, 5 × 5 = 5, 3 = 15, 15 के 5 हाँ से लाया 1, 3 3 का 9, 9 1 10 के 0 हाँ से लाया 1, 3 3 का 3 × 6 = 7, तो ये आ रहा है ना 7056। तो 7056 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो आप कह सकते हो क्या कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2, 3, 5, 2 जो कि बना रहा है आपका परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या बना रहा है ये, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो इसे अच्छे से लिख देते हैं, इसे अच्छे से लिख देते हैं यहां पे, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ रहा ना, आप यहीं से स्टार्ट करना, दूसरा जब आप स्टार्ट करोगे इसका दूसरा आंसर लिखना शुरू करो, आपकी बुक में दिया ही है तो करने क्या जरूरत है, बस आप समझो कैसे कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहां पे हमने क्या दिखाया है, यहां पे दिखाया है 3 है, यहां पे क्या है 3 है, तो हमें एक पेयर चाहिए, हमें पेयर चाहिए 3 का, जो कि हमें क्या हो मल्टीपल। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे हमें 2, 3, 5, 2 दिया था, अब हमारा क्या था, यहां पे लिखा 2 × 2 जो कि एक पेयर था, फिर क्या था 2 × 2 जो कि एक पेयर था, फिर हमें क्या दिया था 7 × 7 दिया था, तो हम यहां पे लिख देते हैं 7 × 7, इसको यहां लिख देते हैं, फिर इंटू क्या है 3 × 3, 3 × 3, तो ये जो हमने 3 मल्टीप्लाई किया है वो पेयर वाला मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था 7056 आ रहा था ना शायद, हाँ तो ये आएगा। तो अब हमें पेयर कौन कौन से मिल रहा है, 2 × 2 के पेयर मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 का पेयर, फिर मिल रहा है 2 × 2 का पेयर मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है हमें पेयर, फिर क्या मिल रहा है 7 × 7 का पेयर मिल रहा है, मतलब ये मिल रहा है, फिर मिल रहा है 3 × 3 का, क्या मिल रहा है 3 × 3 का मिल रहा है, तो ये वाला पेयर मिल रहा है। अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करो, तो स्क्वायर रूट के लिए मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट के लिए मैंने क्या कहा था कि ये जो पेयर्स हैं इन पेयर्स को आप क्या करो, लिखना शुरू कर दो, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, तो इसको क्या कर दोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन पेयर्स को आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर को आप क्या करोगे, पेयरिंग ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कह रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, तो पेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 क्या हो जाएगा 4, फिर क्या होगा 7, 4 × 7 × 3, तो ये क्या होगा 7 × 4 = 21, 7 × 3 = 21, 21 × 4, 21 × 4 = 4, 1 = 4, 4 = 8, तो 84 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 84, और 84 का मतलब क्या है, यहां पे 84 का मतलब है कि स्क्वायर रूट जो है 7056 का जो स्क्वायर रूट है वो कुछ और नहीं 84 है, यहां का मतलब ये
84 का मतलब है यहाँ पे ये कि स्क्वायर रूट ऑफ 7056। तो ये कह रहे थे जो आपने परफेक्ट स्क्वायर निकाला है, ये जो हमारा निकल के आया है परफेक्ट स्क्वायर निकल के आया है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखो हमने निकाल दिया है। तो ये तीसरा आंसर है हमारा, और ये दूसरा आंसर था, और अपना तो पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये पहला आंसर था, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में थोड़ा इसका, अगर आपको 100% में से 60% भी आया, 30% भी आया, तो बहुत आया है। अभी तो पूरी गाथा बची है। तो देखो मुझे लग रहा है कि आ गया होगा आपको, बट तब भी नहीं आया होगा तो आगे और भी एग्जांपल उसमें और समझेंगे तो मुझे और समझ में आएगा, आपको और समझ में आएगा, तो जल्दी जल्दी जितने भी क्वेश्चन वो और अच्छे से सॉल्व होंगे। तो टेंशन ना लो, अभी तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो जिस चीज को जितनी बार पढ़ोगे वो चीज और ज्यादा आती है। तो पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार तो कुछ नहीं समझ में आता। अगर आपको आ रहा है तो भाई शुक्र मनाओ कि आपको आ रहा है, बहुत लोग तो आता ही नहीं, ठीक है। तो टेंशन ना लो। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत भी आ रहा है, टेंशन ना लो, बार बार बोल रहा हूं टेंशन ना लो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो और इस चीज को रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। ख्याल रखना मत भूलना अपना, ठीक है, अपना तबियत सही रखना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, अगली वीडियो भी एग्जाम्पल से रिलेटेड ही होगी, ठीक है। तो आना मत भूलना।